Hi guys, welcome to the video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 एनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज की बात करेंगे, जिसमें हम यूएसए के बारे में जानेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे और ये एनलाइटमेंट इंडिया, चाइना, जापान, इन सभी जगहों पर कैसे फैली, क्यों फैली, किस किस के रोल थे. और इसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी ऐड किए हैं बिकॉज बुक में जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है और काफ़ी प्रिसाइज्ड है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड जो लर्निंग होती है उसकी ज़रूरत है. इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए कई सारे अलग सारे जो पॉइंट्स हैं वो ज्वाइन कर दिए हैं. और इसमें हम अलग अलग प्रकार के एरा जो थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एराज हुआ करते थे, उनकी भी बात करेंगे. तो ये सारा आज का हमारा कंटेंट है जिसके बारे में आज हम जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज लेट मी नो इफ आई एम लाइव. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली. हम बीबी राव की जो बुक है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है. जैसा कि आप जानते हैं पिछली 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें 2 चैप्टर्स हमने कवर किए. तो इन केस अगर आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए. नाउ आई कैन सी इट्स गोइंग फाइन एंड यस आई एम लाइव. सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग प्रसाद, जेसी, प्रखर, देवेंद्र, ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल. आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. तो देखिए जो लास्ट क्लासेस हैं उसके डाउट्स भी मैं लूँगी, लेकिन वो क्लास के एंड में लूँगी. अब शुरू करेंगे हम आज के सेशन को. और सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि इनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज को समझना क्यों ज़रूरी है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनलाइटमेंट का मतलब है कि अवेयर हो जाना अपने बारे में, अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में. तो जब वो अवेयरनेस आई तो यूरोप ने उस अवेयरनेस को अपनी कॉलोनीज तक भी पहुँचाया. बहुत सी कॉलोनीज में वो यूरोपियन थिंकर्स की वजह से आई और बहुत सी कॉलोनीज में अपने खुद के भी थिंकर थे, जैसे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय थे. तो बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले से ही इस बारे में सोच रहे थे, जानते थे और इस पर्टिकुलर फील्ड में काम भी करना चाहते थे, लेकिन उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला जब यूरोपियंस ने अपनी एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला उनके सामने रखा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की. सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि जब यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाने का प्रोसेस शुरू किया तो उसका कारण ये था कि उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल और एक अच्छे मार्केट की ज़रूरत थी. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अमेरिका में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, इसीलिए सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है या आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो अमेरिका में शुरू हुए थे. क्योंकि वहाँ की ना इकोनॉमी का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. और बेसिकली जब भी हम कॉलोनीज़ की बात करते हैं तो दैट इज़ अबाउट इकोनॉमी ओनली, कि भाई इकोनॉमिकली किसी को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है या उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. तो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे हम देखते हैं यूरोपियन इनलाइटमेंट को तो वो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ में देखने को मिलता है और अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान इसमें इंक्लूडेड थे. तो अमेरिकन कॉलोनीज़ के एक बहुत बड़े थिंकर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम पेन. ये 1644 से 1718 के बीच में काम कर रहे थे. ये एक इंग्लिशमैन थे जिन्होंने कॉलोनी पेंसिल्वेनिया जो है बनाई थी, और ये बनाई थी क्वेकर्स के लिए. अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था क्वेकर्स के बारे में, जो कि एक ऐसे मेंबर्स का ग्रुप हुआ करता था जो कि बहुत ही प्योर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते थे, क्रिश्चियन रूट्स को एज इट इज़ फॉलो करना चाहते थे. ये इंग्लैंड में 1650 में शुरू हुआ था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं. तो क्वेकर्स जो थे इन्हीं के मेंबर्स का एक पूरा ग्रुप हुआ करता था. तो क्वेकर्स के लिए इन्होंने एक कॉलोनी बनाई थी इन 1682. इसके बाद ये हुआ कि जो विलियम पेन है वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ने लगे. इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था चार्टर ऑफ प्रिविलेजेस करके. ये जो है ये चार्टर ऑफ प्रिविलेजेस जो है ये सेल्फ रूल को प्रमोट करता था कि हम किसी और देश के अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को और अपनी पॉलिटी को, अपनी सोसाइटी को अपने अनुसार आगे बढ़ाएंगे. तो 1699 में इन्होंने ड्राफ्ट किया था इस चार्टर को, चार्टर ऑफ प्रिविलेजेस, विच प्रमोटेड सेल्फ रूल इन पेंसिल
अल्बेनिया। इन 1682 इन्होंने एक पीस ट्रीटी भी साइन की थी। पीस ट्रीटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये पीसफुल नेचर को आगे बढ़ाने के लिए है। और जब भी कोई कॉलोनी बन रही है, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ कई सारे मतभेद होने के चांसेस ज़रूर होते हैं, आसपास से अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो जो नेटिव इंडियंस हुआ करते थे उनके साथ, जो कि इंडिया के लोग वहाँ पे रह रहे थे, उनके साथ इन्होंने जो है एक अपनी ट्रीटी साइन करवाई। और ये पीस ट्रीटी थी जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि आसपास जो भी हमारे एरियाज हैं, सेटलमेंट्स हैं, उनके साथ हम शांति से आगे बढ़ें और कोई भी हमारे साथ हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि देखिए हम सेल्फ रूल कर रहे हैं पेंसिल्वेनिया में। इसके बाद इन्होंने एक इलनेस एंड प्यूनरी की लाइफ को गुजारा। इनका जो अंत समय था, इनकी लाइफ का जो एंडिंग थी, वो बहुत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड में इन्होंने अपना जीवन गुजारा, लेकिन इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उस स्ट्रगल से आगे आने वाले कई सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ सीखा, इंडिया ने बहुत कुछ सीखा, खुद यूरोपियन नेशंस ने भी बहुत कुछ इनसे सीखा था। तो जो अमेरिकन एनलाइटमेंट है, ये एक पीरियड था इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का। इंटेलेक्चुअल फर्मेंट मतलब समझ लो जैसे फर्मेंटेशन हो जाता है, कोई चीज़ जैसे पक करके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, पकी हुई। तो पकी हुई इंटेलेक्ट यानी कि एक ऐसा दिमाग जो बहुत ही तेज़ और तीव्र है, तो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज में हुआ था इन दी 18th एंड 19th सेंचुरी, जिसकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिका की एक ऐसी क्रांति थी जिसने आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफ़ी इंस्पायर किया। देखो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ ना, तो उसने इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ही पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की। जो इनका जो बिल ऑफ राइट्स है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बात करता था फंडामेंटल राइट्स की, कि भाई ह्यूमन राइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के आइडियाज़ लोगों को मिले। और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे लोगों को सोशलिज्म का आइडिया मिला, समानता की भावना आई कि हम समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे, हम कम्युनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। उस रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के कई सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का जन्म हुआ, जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को फॉलो करती थी, और वो बात करती थी कि भाई पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। उस रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के इंडिया ने क्या सीखा? इंडिया ने इसी रशियन रेवोल्यूशन से जो आप 5-year प्लान देखते हैं, जो कि हमने शुरू किया था 5-year प्लान बनाना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करना, सो वेलफेयर सोशलिज्म का सिस्टम होता है, वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से सीखा। तो हर एक रेवोल्यूशन आगे आने वाले रेवोल्यूशन को जन्म दे रहा है। रेवोल्यूशन क्या है? एक क्लैश है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। एक ओल्ड ऑर्डर जो कि बहुत पुराना हो चुका है, उससे लोग परेशान हो चुके हैं, वो समय के साथ कोई बदलाव नहीं ला पा रहा, वो लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो फेल हो गए हैं उस नए चेंज को समझने में या अडाप्ट करने में, इसीलिए रेवोल्यूशन हो रहा है। तो रेवोल्यूशन होने की वजह से अमेरिका की जो कॉलोनीज थी 18th और 19th सेंचुरी में साथ आई, और इन्होंने बात की कि भाई हम अपने खुद के राइट्स के लिए लड़ेंगे, और साथ ही हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हुए इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। तो ये इस तरीके से एनलाइटमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में एनलाइटमेंट का जो दौर है वो 16th सेंचुरी से देखने को मिलता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये ना एक प्रोसेस था। जब हम इंडिया के एनलाइटमेंट को पढ़ते हैं तो वो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में 6th सेंचुरी BC में ही रिलीजियस रेवोल्यूशंस होने लगे थे, बहुत सारे थिंकर्स आने लगे थे, जैसे बुद्धा, महावीरा। ये क्या है? ये एनलाइटेंड ही तो हैं। इसका मतलब हमने एनलाइटमेंट को यूरोपियन कंट्रीज से भी पहले देखा था, लेकिन क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री शुरुआती दौर में यूरोपियंस ने लिखी थी, और क्योंकि हमारी हिस्टोरियोग्राफी में बहुत कमी थी रिटन सोर्सेज की, इसीलिए हमारे देश के अंतर्गत आपको कई सारी चीज़ों में हम पिछड़े हुए नज़र आते हैं, या बहुत से दूसरे लोग हमसे आगे नज़र आते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो आगे हैं, इसका कारण है कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने पहले ही इनलाइटमेंट की बातें करनी शुरू कर दी, तो सबको लगा कि शायद यहाँ से इनलाइटमेंट पूरी दुनिया में गया और यूरोप से इंडिया ने इनलाइटमेंट सीखा। बल्कि इन रियलिटी अगर आप देखें, तो इंडिया ने जब पूरी दुनिया में डार्क एज था और जब कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं था, तभी एनलाइटमेंट को जान लिया था, तभी इक्वालिटी और लिबर्टी की बातें करनी शुरू कर दी थी। बुद्धा और महावीरा इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आगे बढ़े और मासेस के लिए एक बहुत बड़े लीडर साबित हुए।
इसलिए ये कहना कि भैया इंडिया में यूरोपियन कॉलोनीज से या यूरोपियन थिंकर से बहुत कुछ सीखा है, ये बहुत सही है। पर कुछ हद तक यहाँ पे एक जो कमी है वो ये कि इंडिया ने जो सीखा वो आप बाद में बात करना, पर पहले आपने इंडिया से जो सीखा और जो दूसरे देशों ने अडाप्ट किया वो पहले होनी चाहिए। इसलिए जब हम इनलाइटमेंट की बात करते हैं तो यूरोप से नहीं, वो बातें इंडिया से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एज एन इंडियन सिटीजन हमें समझना चाहिए कि हम तो 6th century BC में ही देख चुके थे, ये तो इनलाइटमेंट को पाते पाते 15th century में चलेगा। यूरोप में जब आप बात कर रहे हो तो 15th century में जाकर के ये प्रॉपरली इनलाइटेंड हुए और प्रॉपरली इनको जो है समझ में आया कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज क्या होती है। हमारे पास तो ये एंशियंट इंडिया में ही था, हम तो एंशियंट टाइम में ही इक्वालिटी की बात कर रहे थे। और बहुत पहले से ही भारत के अंतर्गत जो सोशल एविल्स थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, इसीलिए तो बुद्धिज्म और जैनिज्म आगे बढ़े। लेकिन होता क्या है कि हम जब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम एंशियंट टाइम्स के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। हम उससे इंस्पायर हो सकते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन हम जब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तब हमें इंडिया के मॉडर्न टाइम को देखना पड़ता है, जहाँ कंपेरेटिवली इंडिया पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्री में काउंट हो रही थी। और इसका कारण ये है कि ये बिल्कुल वैसा है कि एक स्टूडेंट है जिसके पास हज़ारों किताबें और स्टडी मटेरियल है पर वो पढ़ाई नहीं करता, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कम किताबें हैं पर वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर है। तो इंडिया के पास नॉलेज थी पर उस नॉलेज को समझने की, जानने की या उसको अप्लाई करने की कोशिश हमने नहीं की। और उसी चीज़ को याद दिलाया राजा राम मोहन रॉय जैसे थिंकर्स ने कि भैया आप जो देख रहे हो इनलाइटमेंट कि दूसरे देशों में हो रहा है उसे इंडिया में भी फील करो। लेकिन ये फीलिंग आते आते थोड़ी सी देर हो गई, late 18th century में ये आई, और पहली बार जब बात होनी शुरू हुई तो इसके कई सारे लोग खिलाफ भी हुए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सती प्रथा को क्यों बैन करना है, क्यों कास्ट सिस्टम को बैन करना है, क्योंकि एक समय से एक कन्वेंशन बन चुका था, एक डोमिनेशन स्थापित हो चुकी थी सोसाइटी में, और लोगों से आप प्रिविलेजेस अगर छीनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। तो late 18th century में और first half of 19th century में इंडिया के अंतर्गत हम इनलाइटमेंट का इम्पैक्ट देखते हैं। यहाँ पे जब हम इनलाइटमेंट के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम यूरोपियन इनलाइटमेंट से इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो रूलर्स थे वो इंडिया के अंतर्गत जब आए तो इंडियन कंपनीज जो थी वो यहाँ पर लोगों की अगर सिचुएशन को देखें तो वो देख रही थी कि यहाँ के लोग थोड़े से अनसिविलाइज्ड हैं। यूरोपियन लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे अनसिविलाइज्ड, क्योंकि यूरोपियंस को लगता था कि उन्होंने भारत को सिविलाइज किया। तो इंडिया के अंतर्गत जो रूलर्स थे ऑफ बेस्ट यू नो कंपनीज इंडिया के अंदर, वो ये डिजायर करना चाहते थे कि वो वेस्टर्न आइडियाज को इंडिया तक पहुंचाएं। मतलब एक भारतीय जो है वो दिखने में भले ही भारतीय है पर वो अपनी सोच से, अपने टेस्ट से बिल्कुल एक वेस्टर्न बन जाए, वो वेस्टर्न आइडियाज को पसंद करे, वो वेस्टर्न लर्निंग और वेस्टर्न टीचिंग के अनुसार चले। तो जो वेस्टर्न आइडिया साइंस और रैशनलिज्म के थे उसको वो भारत में भी लाना चाहते थे। और ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो ये पूरा काल था, जबकि आप कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही ट्रांजिशन वाला फेज था जब इंडिया में पहली बार सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी और ये कंपनी रूल के अंतर्गत था, जब 1828 से 1835 के बीच में ब्रिटेन ने इंडिया के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट्स को इनिशिएट किया। हालांकि ब्रिटेन ने जब इसे इनिशिएट किया तो बहुत से लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स भारत के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धर्म भ्रष्ट करने की प्रक्रिया थी या इसके पीछे और भी कई सारे मोटिव्स थे? ये बात बिल्कुल सही है कि यूरोपियंस कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना चाहते थे और ये चाहते थे कि दूसरे धर्मों को या दूसरी विचारधाराओं को उस प्रकार से ना फॉलो किया जाए जिस प्रकार से जो है इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है। वो चाहते थे कि उनकी क्रिश्चियनिटी को, उनके वेस्टर्न थॉट्स को, उनके आइडियाज को लोग ज्यादा माने, ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा समझें, उसको अडॉप्ट करें। तो क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करना तो एक उनका इंटेंशन था ही, इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन जो रिफॉर्म मूवमेंट्स उन्होंने इंडिया के लिए लेकर के आए उसके अंदर हिंदू रिलीजन और हिंदू सोसाइटी काफ़ी हद तक रिफॉर्म हुई। अब हम जब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आप समझो रिफॉर्म का मतलब है कि हम एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, नहीं, हम रिमूव नहीं कर रहे, हम उसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, हम उसके अंतर्गत थोड़ी सी नई जान जो है डाल रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो ये मानते थे कि भैया जो रिलीजियस रिफॉर्म होता है वो
ऐसा होना चाहिए जो कि प्रिसीड करे द डिमांड फॉर द सोशल रिफॉर्म। मतलब धार्मिक रूप से आप ऐसा कुछ काम करो कि समाज का भला हो और समाज के अंदर कुछ अच्छा है। और इसीलिए वेस्टर्न जो आइडियाज़ हैं, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़, उनको समेटते हुए इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। हालांकि ब्रह्मो समाज लोगों को क्रिश्चियनिटी या वेस्टर्नाइजेशन सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि भारत के अंतर्गत जो ऑलरेडी एक ऑर्थोडॉक्स कल्चर और एक आप कह सकते हैं सुपरस्टिशन का जो कल्चर था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए था। तो ब्रह्मो समाज जो है, इसने हिंदू रिलीजन को रिस्टोर किया टू इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी। इसका मतलब ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ कभी भी नहीं था, ये हिंदू रिलीजन के साथ चलना चाहता था, लेकिन ये चाहता था कि भाई एविल्स को भूल जाओ, जो पुराने एल्स हैं, सोशल एविल्स हैं, सुपरस्टिशन है, उनसे हटा करके, उनसे अलग हट करके एक नई ग्लोरी की तरफ हिंदुइज्म को आगे बढ़ाओ। और बेसिकली ब्रह्मो समाज जो है ये मोनोथीज्म को प्रीच करता था। मोनोथीज्म मीन्स बिलीफ इन वन गॉड, कि आप एक ही ईश्वर की पूजा करें। और ग्रेटली ये इन्फ्लुएंस था बाय द वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एनलाइटमेंट। इन्होंने कहा कि ही सॉट टू इफेक्ट अ कल्चरल सिंथेसिस। कल्चरल सिंथेसिस मतलब एक मिक्सचर, एक फ्यूजन, एक ऐसा सिंथेसिस, एक ऐसा ब्लेंड होना चाहिए, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, जो कि ईस्ट और वेस्ट का ब्लेंड है। यानी कि जो यूरोपियंस के पास अच्छा है, जो ईस्टर्न कंट्रीज के पास अच्छा है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास अच्छा है वो भी ले लो, और जो ईस्टर्न कंट्रीज के पास अच्छा है वो भी ले लो। मतलब मिला जुला करके बात यह है कि अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में या वेस्टर्न थॉट्स में कुछ अच्छा है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न थॉट में कुछ अच्छा है तो आप क्रिश्चियन बन गए। एकदम ये इस चीज़ को ऐसे समझो कि कई बार अगर हम हाइजीनिक सिचुएशंस की वजह से, हेल्थ सिचुएशंस की वजह से, या आप कह सकते हो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो वेस्टर्नाइजेशन के द्वारा लिंक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेस्टर्न हो गए। मतलब अगर हम टी शर्ट, शर्ट, पैंट, कोट और जूते पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन कल्चर से नफरत करते हैं। और अगर कोई धोती कुर्ता पहन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडियन कल्चर को पसंद करता है इसलिए पहन रहा है। हो सकता है कि वो मजबूरी में पहन रहा हो, या हो सकता है कि एक इंसान जो इंडियन कल्चर की बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है वो वेस्टर्न कपड़ों में आपको दिखे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कन्वीनियंस और कंफर्ट की बात होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग वेस्टर्न चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रिश्चियन बन गए, नो। तो इन्होंने इनकरेज किया कि आप थोड़ा सोचो, इंक्वायरी करो, क्वेश्चन पूछो और स्प्रेड करो ह्यूमनिज्म को। ह्यूमनिज्म क्या है? मानवता को। कि किसी भी धर्म से इस चीज़ को जोड़ के मत देखो, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ अच्छा है तो उसको अडॉप्ट कर लो। बहुत से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया के अंदर हुए और उन्हें बहुत मोमेंटम मिला जब आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज जो है, या प्रार्थना समाज जो है, ये ऐसे एसोसिएशंस थे जो कि रिफॉर्म मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे आर्य समाज का तो कहना ही था लेट्स गो बैक टू वेदास, कि ये वेदास की जो ग्लोरी है उसको वापस लाना चाहते थे। इन्होंने तो यहाँ तक कि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया कि जिन लोगों ने किसी और धर्म की तरफ आकर्षित होकर के कोई धर्म ज्वाइन कर लिया है वो वापस हिंदुइज्म में आ जाएं और वापस हिंदू कल्चर को फॉलो करें। और थियोसोफिकल सोसाइटी भी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी भी लोगों को वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ साथ इंडियन जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करना सिखा रही थी, उसको आगे बढ़ना सिखा रही थी। तो जो आइडियाज़ इनलाइटमेंट के हैं वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैले। और जब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आया, क्योंकि आपको पता ही होगा चार्ल्स वुड का एक डिस्पैच आया था, एजुकेशनल डिस्पैच, जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इंडिया के पाठशाला सिस्टम को हटा करके एक बुक लर्निंग का, एक टेक्स्ट बुक लर्निंग का सिस्टम जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन के साथ जो होना चाहिए वो शुरू किया। तो वेस्टर्न एजुकेशन जब आया तो वो लॉर्ड बेंटिक के समय में आया, और इन्होंने ये कहा कि देखो इंडिया के अंदर टेक्स्ट बुक लर्निंग जो है उसको लेकर के आओ, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट भी करो। कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर के खुद रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे स्कूल की स्थापना की थी जिसे शांति निकेतन कहा जाता था। शांति निकेतन में इन्होंने खुद जो है इंडियन म्यूज़िक,
इंडियन डांस, इंडियन आर्ट, इंडियन ट्रेडिशन के साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको भी सिलेबस में ऐड किया। और बियॉन्ड द बुक्स जो लर्निंग होती है वो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इंट्रोड्यूस की थी शांति निकेतन में। तो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को भी समझ में आया, मुस्लिमों को भी लगा कि अरे अगर कुछ अच्छा है तो उसको फॉलो करो वरना हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसके अंदर एक अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था और ये बिल्कुल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का ही एक रिजल्ट आप कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए अगर हम लोग एक नैरो थिंकिंग के साथ चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कंपैरेटिवली हिंदू जो है वो जल्दी ही चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। तो एक ब्रॉड माइंडसेट को ये लेकर के आए और अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया एक नैरो आउटलुक को जो पुराने ज़माने के हिसाब से ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स के अनुसार चलता है। और इन्होंने खुद के व्यूज़ इनको इन्होंने सबको दिए कि देखिए आज जो रैशनलिज्म का ज़माना है, आज जो साइंटिफिक नॉलेज का ज़माना है उसको फॉलो करो। ये चाहते थे कि सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स कुरान भी पढ़ें और कुरान के साथ साथ आर्ट, साइंस ये सब भी पढ़ें। और इनका जो कॉलेज था MAO कॉलेज जो कि अलीगढ़ में था, ये खुद इन्होंने शुरू किया था 1875 में, जहां ये इसी प्रकार से लोगों को एक अच्छे ब्लेंड वेस्ट और ईस्ट के एक अच्छे ब्लेंड के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। चाइना की अगर हम बात करें तो यूरोपियन इनलाइटमेंट ने चाइना पे भी अपनी छाप छोड़ी 1860 से 1900 के बीच में। हालांकि जब हम लोग चाइना की बात करते हैं या चाइनीज़ कल्चर की बात करते हैं तो आप एक चीज़ जो है नोटिस करेंगे कि चाइना अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो सोचता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। किसी को वो अपने सामने कुछ समझता ही नहीं, ना ही किसी के कल्चर को, ना ही किसी के ट्रेडिशन को, ना ही किसी के आर्ट को। चाइना सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने अनुसार दूसरों को ढालने की कोशिश करता है। कभी भी दूसरे की बातों को समझने की या उसको स्वीकारने की आसानी से वो कोशिश नहीं करेगा। तो हुआ ये कि कई बार ना ह्यूमिलिएशन हुआ। ह्यूमिलिएशन कहाँ से हुआ, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे और दूसरी यूरोपियन पावर्स थी और कई सारे चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स भी थे, उनको खुद को भी लगा कि देखो हमें ना सेल्फ स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग का मतलब है कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो पावर्स हैं वो हमें ह्यूमिलिएट कर रही हैं या वो आगे बढ़ रही हैं। तो हमें ना एक हारमोनियस कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। हारमोनियस कॉम्बिनेशन क्या, इनके यहाँ पे एक धर्म फॉलो होता था कन्फ्यूशनिज्म। कन्फ्यूशनिज्म जो है ये एक ऐसा धर्म है जो एथिकल वैल्यूज़ के बारे में है। बुद्धिज्म से ये बहुत हद तक आपको सिमिलर लगेगा बट ये बुद्धिज्म से बिल्कुल अलग है। कन्फ्यूशनिज्म का जो ये धर्म है यहाँ पे एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ की बात होती थी। तो कन्फ्यूशियन और वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न लर्निंग जो है इसकी ये बात करते थे कि ये इनेबल करेगा चाइनीज़ को टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द वेस्टर्न पावर, कि भाई अगर तुम अपने दुश्मन को जानोगे नहीं तो उसको हराओगे कैसे। इसीलिए वांगशो ये एक फादर है चाइनीज जर्नलिज्म के, इनको फादर ऑफ चाइनीज जर्नलिज्म कहा जाता है। ये चाइना को वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवाना चाहते थे ताकि चाइना अपने आप को मॉडर्नाइज कर सके। तो कन्फ्यूशनिज्म जो है इसे रूइज्म या रू क्लासिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है थॉट्स या बिहेवियर का जो एंशियंट चाइना से शुरू हुआ और ये फोकस करता है पर्सनल एथिक्स एंड मोरालिटी पे। और जो गोल है कन्फ्यूशनिज्म का वो ये है कि सोशल हार्मनी को अचीव करें, समाज में मिलजुल करके एक मिलनसार तरीके से आगे बढ़ें। वांग ताओ जो है ये कन्फ्यूशन स्कॉलर थे और ये चाहते थे कि भाई लोग अपनी ऑर्थोडॉक्सी को भूल जाएं। और जो कन्फ्यूशन स्कॉलर्स हैं वो अपने पुराने रीति रिवाजों और रूढ़िवादी परंपरा से थोड़ा सा बाहर आएं और नया माइंडसेट समझें। इन्होंने जो है काफ़ी हद तक लोगों को इंस्पायर किया चाइना में। और कई सारे और भी बहुत सारे राइटर थे जो कि इस मामले में काम करना चाहते थे, जैसे कि येन फू, ये एक और बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा
ट्रैवल किया और चाइना के लोगों को अर्ज किया कि भाई जो पुरानी सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी में तुम हो कि भाई हम ही हम हैं और बाकी सब पानी कम है, ऐसा मत सोचो, थोड़ा सा वेस्टर्न थॉट को भी समझो और थोड़ा सा डील करो वेस्टर्नर्स के साथ, क्योंकि अगर तुम्हें उनके साथ फ़ायदा चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। इसके बाद जापान की अगर हम बात करें तो जापान में एक मेजी पीरियड हुआ करता था। जापानीज हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रुप ऑफ जापानीज इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे जिसे मोरी अरिनोरी, एक स्टेट्समैन हुआ करते थे वहाँ के, मोरी अरिनोरी जो कि लीड करते थे। इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको ये कहते थे मेरुकुशा। तो मेरुकुशा जो है ये 1 फरवरी 1874 में आया और इसका पर्पस था कि एनलाइटमेंट को प्रमोट करे और साथ ही साथ वेस्टर्न एथिक्स और सिविलाइजेशन का ज्ञान ये जापान के लोगों को बताएं। तो मीजी इरा जो है ये एक ऐसा इरा था जो कि 23 अक्टूबर 1868 से 38 जुलाई 1912 तक चला। ये जो है इसका जो फर्स्ट हाफ था वो एम्पायर ऑफ जापान के अंतर्गत था, जब जापानीज पीपल आइसोलेट हो रहे थे और जो फ्यूडल सोसाइटी थी ना इनकी, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, फ्यूडलिज्म होता है जहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था होती है। तो जापानीज पीपल मूव्ड फ्रॉम बीइंग एन आइसोलेटेड फ्यूडल सोसाइटी एट अ रिस्क ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय दी वेस्टर्न पावर्स, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम लोग सामंतवादी व्यवस्था को फॉलो करते रहेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे और वेस्टर्न पावर हमको कॉलोनी बना लेगी। इसीलिए ज़रूरत है कि नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ें और इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझें। तो इसके अंतर्गत इन्होंने कई सारी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन स्टेट पावर्स को समझा और इमर्जेंट ग्रेट पावर को समझते हुए अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की। और ये कई सारे वेस्टर्न साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानते थे, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, लीगल, एस्थेटिक आइडियाज़ के बारे में समझते थे और उसको जापान में अडॉप्ट भी करना चाहते थे। तो ये फ्यूडलिज्म जो है उसके कहीं ना कहीं उसकी वजह से डर गए थे। फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि इसे सामंतवाद भी कहते हैं, जहाँ पे एक जो किंग है वो अपने लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए कई सारे सामंत यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स को नियुक्त करता है। ये जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं ये अपने एक स्पेसिफिक एरिया में या ग्रुप ऑफ विलेजेस और टाउन्स को हेड करते हैं और वहाँ से टैक्स कलेक्शन करते हैं, वहाँ पे एक आर्मी मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है कि किंग का जो हेडेक होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, पर कई बार ये सामंत इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये खुद ही राजा को चैलेंज करके उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इतना पावरफुल और इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि वो सोचते हैं कि बस हम किसी भी हाल में खुद ही राजा बन जाए। और ऐसे राजा काफ़ी कमज़ोर होते हैं तो उनको हटा करके कॉलोनी बनाना आसान होता है। इसीलिए अपने आप को कॉलोनी बनाने से रोकने के लिए ये फ्यूडल सोसाइटी को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। और तो और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया ना मेरुकुशा जो थे, ये जब इनका ग्रुप शुरू हुआ तो ये अर्ली मीजी पीरियड में ही हुआ था और ये है, आप मान के चले, इट वाज द फर्स्ट जापानीज मॉडर्न एकेडमिक सोसाइटी जो एनलाइटमेंट के लिए ही बनाई गई थी और एनलाइटमेंट के लिए ही स्पेसिफिकली काम कर रही थी। मेरुकुशा में ब्यूरोक्रेट्स भी थे जो कि मतलब सरकारी काम करने वाले अफसर होते हैं, पढ़े लिखे एजुकेशनिस्ट भी थे, फिलोसफर्स भी थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एक जर्नल हुआ करता था जिसका टाइटल था मेरुकुजाशी। ये प्रोग्रेसिव वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ आता था और उसी को स्प्रेड करने के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स छापता था। इसके अंदर बहुत सारे लीडिंग फिगर्स थे जिसमें से एक थे निशिमुरा शिगेकी, जो कि इम्पॉर्टेंस बताते थे मोरालिटी और सेल्फ सफिशियंसी की। इन्होंने सैमुअल स्माइल्स सेल्फ हेल्प को ट्रांसलेट किया था एंड जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े राइटर थे, उनकी जो रचनाएं हैं उसको भी ट्रांसलेट किया था। और इन्होंने जो इनका जॉन स्टुअर्ट मिल का जो एक रचना है ऑन लिबर्टी, वो इन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू जापानीज लैंग्वेज और जापान के लोगों को उन सारी रचनाओं के बारे में बताया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की ये जो चैप्टर एक्चुअली बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं जो हम कवर करें, लेकिन
इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो यही आएगा कि इंडिया से रिलेट करते हुए कि इंडिया के अंदर पहली बार एनलाइटमेंट को कब फील किया गया, और इंडिया के अंदर एनलाइटमेंट जब लेट 18th century में आया तो उसने कौन से डेवलपमेंट किए, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो तब आप जब भी एनलाइटमेंट के बारे में लिखें तो ज़रूर 6th century BC के जो रिलीजियस रेवोल्यूशंस हुए थे उसके बारे में ज़रूर आप चर्चा करें, क्योंकि वो एक नया एलिमेंट आपके आंसर में ऐड करेगा। बहुत ही जल्द हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, जो कि एक फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जहां पे टेलीग्राम के थ्रू आप जो है अपने आंसर्स को रेगुलर बेसिस पर चेक करवा सकते हैं, जहां मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट्स अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो पूछ लीजिए, सो दैट यू नो हम क्लास में आगे आपके डाउट्स ले सकें। सो आई कैन सी नाउ दैट अभी तक कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगा। रिको मोंडल ने पूछा है, और रैंक सिक्योर की जो मैं प्लेलिस्ट है इसमें बना दूंगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे जो हमने लेसन्स लिए हैं ये आपके साथ फिर डिस्कस हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, संदीप मिश्रा ने पूछा है, आप टेलीग्राम का लिंक नीचे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रैंक सिक्योर IAS अकेडमी, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। NCERT की सीरीज़ भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे, अभी हम लोग पहले इस सीरीज़ पर फोकस करते हुए इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, यू देन टेक केयर, बाय बाय।